दोस्तों स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल एक्सप्लेनेशन थेरेपी में। आज मैं बात करने वाला हूँ 2022 में रिलीज़ हुई मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्क्रीम के बारे में। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7 है और ये मूवी स्क्रीम सीरीज की 5th इंस्टॉलमेंट है। इस मूवी में आप स्क्रीम 1 के ओरिजिनल कास्ट को भी देख सकते हैं, जैसे कोर्टनी कॉक्स, नीव कैम्बेल और डेविड आर्क्वेट। इस मूवी में एक मास मैन जिसे घोस्ट फेस के नाम से भी जाना जाता है, वो वुड्सबोरो टाउन के लोगों पर चाकू से वार करता है, जिसके वजह से सारे लोग हमेशा डरे होते हैं और एक दूसरे पे शक करते हैं। ये मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको अंत तक जमाए रखती है। इस मूवी में स्क्रीम और स्टैब मूवी के बहुत सारे रेफरेंसेस हैं और इन सारे रेफरेंसेस मैं अपने वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अब बढ़ते एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत होती है वुड्सबोरो टाउन में, जहाँ तारा अब अपने घर में एम्बर से चैट कर रही होती है और तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। फ़ोन उठाने पे उसकी बात एक आदमी से होती है। ये आदमी अपने आप को चार्ली नाम से इंट्रोड्यूस कराता है और वो प्रिटेंड करता है कि वो तारा के मॉम का बॉयफ्रेंड है। अब बातों बातों में दोनों हॉरर मूवीज़ के बारे में बात करने लगते हैं। तारा को हॉरर मूवीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। अब चार्ली तारा को स्टैब मूवी के बारे में बताने लगता है और वो बताता है कि इस मूवी में भी एक लड़की रॉन्ग नंबर पे बात करती है और किलर ने उसे मारने से पहले उसके साथ एक गेम खेला था। ये सुन के तारा घबरा जाती है और फ़ोन कट कर देती है। चार्ली फिर से कॉल करता है पर तारा नहीं उठाती और तभी उसे एम्बर से मैसेज आता है कि अगर वो फ़ोन नहीं उठाती है तो वो किलर एम्बर को मार देगा। इसीलिए वो फ़ोन उठाती है और अब किलर उसके साथ एक गेम खेलने लगता है, जिसमें वो तारा को 3 सवाल पूछेगा और गलत जवाब देने पर एम्बर को मार देगा। तारा 3 में से 2 सवालों का जवाब बहुत ही ईजीली दे पाती है, पर आखिरी सवाल पर वो चूक जाती है। अब किलर एम्बर को मार देगा इस डर से तारा अपने घर से निकलने लगती है और तभी वो किलर तारा को पेट में स्टैब कर देता है। तारा घर लॉक करने की कोशिश करती है पर फिर भी किलर अंदर घुस के तारा पे फिर से वार करने लगता है। लकीली तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और तारा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब अगले सीन में हम समंथा को देखते हैं। समंथा तारा की बड़ी सिस्टर है और वो बचपन में ही घर छोड़कर भाग गई थी। उसे एम्बर से तारा के हादसे के बारे में पता चलता है, इसीलिए सैम तारा से मिलने वुड्सबोरो निकलती है। सैम का बॉयफ्रेंड रिची भी उसके साथ आता है। अब रास्ते में सैम रिची को बताती है कि 1990s में वुड्सबोरो टाउन में बिली लूमिस और उसका साथी स्टू मैकर ने स्कूल के कुछ बच्चों को चाकू से मार दिया था। उसके बाद हर 10 साल में कोई आदमी मास्क पहन के लोगों को मार देता है। अब हॉस्पिटल पहुँचने पर हमें तारा के फ्रेंड से इंट्रोड्यूस किया जाता है। चैड और मिंडी ट्विंस है और लिव चैड की गर्लफ्रेंड है। यहाँ पे वेस भी होता है, जिसकी मॉम शेरिफ होती है और वो इस इन्वेस्टिगेशन पे काम कर रही होती है। सैम हॉस्पिटल में ही रुकने का फैसला करती है। अब एक सीन में हम सैम को किसी आदमी को हेलुसिनेट करते हुए देखते हैं, इसीलिए वो गोलियाँ भी खाया करती थी। तभी सैम को एम्बर के नंबर से कॉल आता है और उसकी बात घोस्ट फेस से होती है। तभी पीछे से वो घोस्ट फेस सैम को स्टैब करने की कोशिश करता है, पर सैम जैसे तैसे बचकर वहाँ से भाग जाती है। अब पुलिस हॉस्पिटल में सिक्योरिटी बढ़ा देती है। उसी रात ये घोस्ट फेस विंसेंट नाम के बंदे को भी मार देता है। सैम को पता होता है कि घोस्ट फेस टैरा और सैम के पीछे क्यों पड़ा हुआ है। सैम अब टैरा को बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तब वो अपने मॉम की कॉलेज डायरीज पढ़ती थी। उसमें उसे पता चला कि सैम और टैरा की मॉम उनके डैड को डेट तो करती थी पर वो किसी और आदमी से ही प्यार करती थी। इस आदमी का नाम है बिली लूमिस। जी हाँ दोस्तों, ये वही आदमी है जिसने 1996 में बच्चों को मारा था। और सैम बिली लूमिस की बेटी है, ना कि टैरा के डैड की। डायरी पढ़ने पर वो अपने मॉम से सवाल करने जाती है कि उसने ये बात सैम से क्यों छुपाई, और तभी ये बात टैरा के डैड सुन लेते हैं और गुस्से में वो घर छोड़ते हैं। इस बात का सैम पर बुरा असर होने लगता है और वो ड्रग्स लेना शुरू कर देती है। कुछ दिन बाद वो घर छोड़कर भाग जाती है। ये सब सुनकर टैरा सैम से रूठ जाती है। अब नेक्स्ट डे सैम राइली से मिलने जाती है, जो कि एक रिटायर्ड शेरिफ है और वो स्क्रीम के पार्ट 1 में भी था। राइली सैम की मदद करने से इनकार कर देता है और वो सैम को सलाह देता है कि वो रिची और टैरा के दोस्तों पे भरोसा ना करे। अब सैम टैरा के दोस्तों से मिलने जाती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि ये घोस्ट फेस सिर्फ उन्हीं लोगों पर अटैक कर रहा है जो स्टैब मूवी के ओरिजिनल स्टोरी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे बहुत से व्यूअर्स कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि उन्होंने स्टैब और स्क्रीम की ओरिजिनल मूवी नहीं देखी है। तो उनको मैं बता दूं कि स्क्रीम ये एक ओरिजिनल मूवी है, जिसमें बिली लूमिस और स्टू मैकर ने मिलकर बच्चों को मारा था।
और इस मूवी के सर्वाइवर गेल वेदर्स ने स्क्रीम 2 मूवी में एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्टैब। अब इस बुक पर आधारित एक मूवी बनाई गई जिसका नाम भी स्टैब ही था। विंडी एक्सप्लेन करती है कि स्टैब मूवी के हार्डकोर फैंस हाल ही में रिलीज हुए स्टैब सीक्वल से खुश नहीं थे, इसीलिए उन्हें एक नया मूवी चाहिए था जो ओरिजिनल स्टैब जैसा ही हो। इसीलिए ये फैंस मास्क पहन के उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो ओरिजिनल किलर से रिलेटेड है, जैसे कि विंसेंट जो स्टू मैकर का नेफ्यू था और सैम जो कि बिली लूमिस की बेटी थी। घोस्टफेस ने टैरा पे इसलिए वार किया था क्योंकि वो सैम को वुडबरोज बुला सके। अब कुछ देर बाद घोस्टफेस जुडी को कॉल करके उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। जुडी डर के मारे पुलिस के सारे यूनिट्स अपने घर भेज देती है। घर पहुँचने पर घोस्टफेस जुडी और वेस को मार देता है। उनकी मौत के बाद पुलिस वहाँ आ जाती है और रायली भी वहाँ मौजूद होता है। तब गेल वेदर्स भी वुड्सबोरो आती है और उसकी मुलाकात अपने हस्बैंड रायली से होती है। सैम नोटिस करती है कि सारी पुलिस वहाँ मौजूद थी, इंक्लूडिंग वो पुलिस जो तारा के हॉस्पिटल में सिक्योरिटी दे रहे थे। वो समझ जाती है कि घोस्टफेस ने वेस और जुडी को सिर्फ इसलिए मारा था क्योंकि वो पुलिस को डिस्ट्रैक्ट कर सके। सैम अब हॉस्पिटल जाने लगती है और रायली भी उसके साथ आता है। वह हॉस्पिटल में अचानक ही पावर कट होती है और तारा डर कर बाहर आती है। वो एक पुलिस ऑफिसर को मरा हुआ भी पाती है। वो अब एक कमरे में छुप जाती है और तभी वहाँ पर रिची आ जाता है। उसे देखकर तारा रिलैक्स होती है, पर तभी पीछे से घोस्टफेस आके रिची के हाथ पे वार कर देता है। अब तारा भागने की कोशिश करती है पर ज़्यादा दूर नहीं जा पाती और तभी रिची का फ़ोन बजने लगता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि घोस्टफेस वॉइस मॉड्यूलेटर ऑन करके सैम से बात करता है। सैम जानबूझ के उसे फ़ोन पे उलझा कर रखती है और वहाँ पहुँचते ही रायली घोस्टफेस पे शूट कर देता है। अब इस लड़ाई में रायली फाइनली गोली चलाकर घोस्टफेस को मार देता है। सैम टारा रिची और रायली वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी रायली को याद आता है कि अगर घोस्टफेस को मारना है तो उसे सर पे गोली मारनी पड़ेगी, इसीलिए वो वापस घोस्टफेस को मारने चला जाता है। और तभी उसे गेल का कॉल आता है और इस चक्कर में घोस्टफेस रायली को ब्रूटली मार देता है। अब अगले दिन रायली की मौत की खबर सुनने के बाद सिडनी प्रेस्कॉट वुड्सबोरो आती है। वो सैम से बात करती है और वो उसकी मदद करना चाहती है। सैम बताती है कि वो अपने सिस्टर टारा को लेकर वुड्सबोरो छोड़ना चाहती है। सिडनी उसे वार्न करती है कि वुड्सबोरो छोड़ने से घोस्टफेस उसका पीछा नहीं छोड़ेगा और वो इस घोस्टफेस को मार के रायली का बदला लेना चाहती है, पर सैम मना कर देती है और वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टारा को अपना अस्थमा पंप नहीं मिलता और उसे याद आता है कि उसने एक स्पेयर पंप एम्बर के घर छोड़ा था। रिची अब ना चाहते हुए भी गाड़ी एम्बर के एड्रेस पे घुमाता है। वहाँ एम्बर के घर पे पार्टी चल रही होती है और इस दौरान घोस्टफेस चाइल्ड को मार देता है। एम्बर के घर पहुंचने पर रिची सारे बच्चों को घर जाने बोलता है। घर खाली होने पर रिची बियर लेने बेसमेंट जाता है और एम्बर्स और टारा अस्थमा पंप लेने उसके कमरे में जाते हैं। तभी सैम को सिडनी का कॉल आता है और वो सैम को उस घर से भागने बोलती है क्योंकि यह घर स्टू मैकर का है और यहीं पे सारे बच्चों की मौत हुई थी। तभी घोस्टफेस मिंडी पे वार करता है और उसकी चीख सुन के घर के सारे लोग वहाँ आते हैं और घोस्टफेस वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ पे लीव भी आती है जिसके हाथ पे खून होता है। सब लोग उस पर शक करने लगते हैं कि यही घोस्टफेस है और तभी आता है एक ट्विस्ट। एम्बर गन लेके लीव को मार देती है। ये देखकर सारे लोग छुप जाते हैं। सैम और रिची बेसमेंट में आते हैं और सैम को याद आता है कि उसने टारा को अकेला ही छोड़ दिया है। रिची उसे रोकने की कोशिश करता है बट वो उसे बचाने के लिए अपस्टेयर्स आती है। यहाँ पे टारा उसे बंधी हुई मिलती है। वहाँ सिडनी और गेल ट्रैकर की मदद से एम्बर के घर पर आ जाती है। एम्बर नाटक करते हुए गेल पे गोली चला देती है। सिडनी अब उसका पीछा करते हुए सारे दरवाजों पर शूट करने लगती है और इसी शूटिंग में रिची इंजर्ड हो जाता है। तभी पीछे से घोस्टफेस अटैक कर देता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अब दोनों गन की तरफ बढ़ते हैं पर सैम वहां आके गन लेती है। अब आता है मूवी का अगला ट्विस्ट। सैम एम्बर को शूट करने ही वाली होती है कि तभी रिची वहां आके सैम को स्टैब कर देता है और उसके हाथ से गन छीन लेता है। अब एम्बर और रिची सारे लोगों को हॉस्टेज बनाकर उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि उन्होंने ये सब क्यों किया। दरअसल एम्बर और रिची स्टैब मूवी के हार्डकोर फैंस थे और उन्हें ये रीसेंट मूवीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने सारे ओरिजिनल कैरेक्टर्स के रिलेटिव्स को टारगेट करना शुरू किया, इसके वजह से एक और अच्छी मूवी बनाई जाए। रिची और एम्बर दोनों भी मूवी मैनियक्स थे। सैम मौका देख के रिची को मार कर वहाँ से भागती है पर रिची उसे फिर से पकड़ लेता है, पर इस बार सैम के हाथ नाइफ लगती है जिससे वो रिची पे वार कर देती है और वो उसे ब्रूटली मार देती है। वहाँ गेल और सिडनी भी ओपनिंग देख के एम्बर को मारते हैं जिससे वो जलने लगती है।
इतनी इंजर्ड होने के बावजूद भी एम्बर सैम को मारने आती है, बट फाइनली तारा उसे शूट कर देती है। यहीं पे मूवी ख़त्म। तो ये थी मेरी एक्सप्लेनेशन फॉर स्क्रीम। मैं आशा करता हूँ कि मेरी ये एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।